राहत पैकेज 2। मजदूरों के लिए वित्त मंत्री के ऐलान का नहीं मिलेगा तत्काल फायदा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज के दूसरी किस्त की घोषणा करते हुए गुरुवार को प्रवासी मजदूरों के लिए भी कई ऐलान किए, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के ये ऐलान पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए फिलहाल बहुत कारगर नहीं है। सबसे पहले ये जानते हैं कि वित्त मंत्री ने क्या ऐलान किए हैं। निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी का अधिकार सभी मजदूरों को देने की तैयारी है। इसी तरह न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने की योजना है। सभी मजदूरों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य करने की योजना है।